वेलकम टू द चैनल। आज जो है बाइक पे कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं बोलूँगा, फॉग लाइट्स लगाने के लिए लेके जा रहा हूँ और साथ में जो है ग्रिल बनाया था मैंने, हेडलाइट का ग्रिल्स बनाया था, मतलब खुद से इसको डिज़ाइन किया और सब कुछ। एक्चुअली बुलेट ट्रायल्स में जो आता है वही सिमिलर काइंड ऑफ मैंने इसको वेल्ड वेल्ड करवाया और बाहर से बनवाया उसको अलग से, जो मेरे पहले के ग्रिल थे उसका जो जाली था वो काट करके ही मैंने उसको बनाया है। तो मॉडिफिकेशन के लिए जो अभी इसका फिटिंग करना बाकी है, उसके बाद कैसे दिखेगी वो मैं बताता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ठाणे, ठाणे में एक दोस्त है अनिल, जिसको पता होगा बुलेट स्टेशन, वो जानते होंगे अनिल को। अनिल से मैं कुछ टाइम पहले ही मिला, तो एक तो फ्रेंड्स बन गए, उसके बाद से ही मैंने उसके पास शॉप में जाता हूँ कोई भी चीज़ें लेनी हो तो। वैसे मैं अभी मेरे पास फॉग लाइट्स थे पहले से, तो वही वहाँ से फिट कराऊँगा। तो मिलते हैं लोगों को डायरेक्ट सीधा जो है अपना बुलेट स्टेशन में, ठाणे अनिल के पास। प्लान हो गया है चेंज, बुलेट स्टेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अनिल से बात हुआ तो अनिल ने बोल दिया यार मैं फ्री नहीं हूँ, गाड़ी है मेरे पास ऑलरेडी, काम कर रहा हूँ उस पर, और हमें तो आज ही लगाना है, हमने जो सोच लिया है भाई आज करना है तो आज ही करना है। तो इस हिसाब से जो है एक है पहचान का मैकेनिक पहले से, जिसने मेरा फ्लैशर भी लगाया, जो हजार्ड लाइट के लिए सिस्टम बना के दिया था उसने जो है, वो ठाणे में है अभी, देखता हूँ वहीं पे जा रहा हूँ, मिलता हूँ उससे और फिर ये सेटअप करवाता हूँ। हाँ तो फॉग लाइट लगा दिया अभी, अभी कैसा ना शूट नहीं कर पाया वहाँ पे क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग था ये, तो पूरा शूट कर गया, वीडियो लेंदी नहीं बनाना चाहता मैं, इसलिए मैंने जो है इतना वीडियो लेंदी नहीं बनाने की वजह से ही मैंने थोड़ा शूट नहीं किया वहाँ पे। नॉर्मल जैसे आप लोग फॉग लाइट कैसा इंस्टॉल करते वही है, तो सबको देखना पड़ेगा कि लुक्स कैसे आते हैं गाड़ी के। और एक्चुअली में जो है फॉग लाइट यूज़फुल है कि नहीं नाइट राइडिंग के लिए, तो हम लोग वैसे ही रूट से जाएंगे, थोड़ा अंधेरा मिले, एक है रास्ता वहाँ से ही जाने वाला हूँ आई होप। मिल रहा है कोई बंदा शायद से, किधर गया है कि नहीं, आ जा। चलो क्या नाम से है? रोड स्टोरी। आप देखते हो यूट्यूब? हाँ देखते हैं। किस किस का देखते हो अभी तक? मैं जीएस प्रेम कोई करके उसका देखता हूँ। जीएस फिल्म, जीएस प्रेम। हाँ हेलमेट डाल के नहीं चलाते आप? नहीं मैं लोकल नहीं चलाता, लोकल नहीं है मेरा। नहीं फिर भी डाल के चलाया करो, इधर वैसे भी रोड बहुत ख़राब है, मैं अभी ऑलमोस्ट आपको ठोक देता शायद से। बराबर है ना? तो आपका नाम? आकाश गुप्ता। आज के ब्लॉग में रहेंगे। थैंक यू। चलो
चलो कुछ लोग मिलते हैं, मोटिवेट करते हैं। दोस्त मिल जाते यार, कुछ ना कुछ बनते रहते। यहाँ तो है शायद से, देखते अगर रास्ता अगर ठीक है यहाँ से, कुछ इस तरह है ऑलमोस्ट। यहाँ से जो इसका जो स्विच है यहाँ पे बंद कर दिया, और ये इतना अंधेरा भी है, एक तो थोड़ा उजाला करते क्योंकि मेरे को भी देखना है, मोबाइल निकालना पड़ेगा। देख लो ये रास्ता ना यार, देख लो अगर ये रास्ता जो है इतना अंधेरा है, ऑलमोस्ट कुछ दिख नहीं रहा है। ये मेरी लाइट है जो ये है अपना हेडलाइट है, नॉर्मल हेडलाइट, ये जो है इधर ऐसा दिख रहा है ऑलमोस्ट सही है। ये इसके बंद बिगर जो है किधर इधर है ऑलमोस्ट सही है। ये जो है ऐसी है, ये मैंने लाइट्स जो है इस तरह लगाई, मेरा जो ग्रिल है ये नया ग्रिल लगा दिया, नया ग्रिल मतलब नया ग्रिल नहीं है, पुराना ग्रिल, इसको मॉडिफाई किया कुछ मैंने। ये मॉर्निंग में आपको मैं फिर से शूट करके जो है अच्छे से दिखा सकता हूँ कैसे बनाया और क्या किया इसका। तो GoPro से भी एक बार शूट कर लेता हूँ कि कुछ दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट अंधेरा है इधर देखा। अगर मेरे पास लाइट नहीं होगी ना तो हेडलाइट भी होगी तो इतना दिखेगा। ये इसका हाई बीम है, ये हाई बीम और ये लाइट बहुत सही है। चलो अभी निकलता हूँ। यहाँ ये सेटअप जो है फॉग लैंप और ग्रिल का कुछ इस तरह दिख रहा है, यहाँ से मैंने फिक्स किया हुआ है, नीचे से तीनों साइड से सब फिक्स किया हुआ है। अभी सेटअप जो है उसका जो कितना यूज़फुल है वो आपको पता चल जाएगा जब मैं राइड पे जाऊँगा। तो आप राइड के डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, तब तक जो है कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कर लो। मॉर्निंग में मैं शूट करके बता दूंगा कि किस तरह ये ब्लॉग मतलब ये सेटअप जो है फॉग लाइट और ग्रिल जो मैंने बनाया है मॉडिफाई करके खुद से, तो उसका सेटअप मैं बता दूंगा किस तरह का है, किस तरह दिखता है और अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता, आप लोग कमेंट करके बता देना। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे एंड बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, ये अपने MS के भाई बोलते हैं, हमारा हमेशा का है, राइड सेफ एंड बी हैप्पी। इसमें का लास्ट पार्ट जो है बी हैप्पी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुश नहीं रहोगे तो यार, खुश नहीं रहोगे तो कैसे एंजॉय करोगे लाइफ। बाय बाय।